वेलकम टू पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। लास्ट टाइम हमने वीडियो में वाइट बटन मशरूम की कल्टीवेशन डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले हमने लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सब जानते भी हैं और मैंने भी डिस्कस किया था, भी जो लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है वो सीजनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हम आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली ऑफ सीजनल कल्टीवेशन के लिए और जो अपना होल ऑफ द ईयर लोग मशरूम कल्टीवेट करते हैं या कह लो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो मशरूम कल्टीवेट करते हैं उसके लिए ये मेथड्स हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं। पहला है हमारे पास शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग एंड द अनदर वन इज इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। आइए देखते हैं कैसे होता है शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कंसल्टेंसी फर्म है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है polymathagrosolution@gmail.com, satnaman@gmail.com। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6595315473 पर। कॉल करने से पहले मुझे व्हाट्सएप करें 9464946907 पर। 1953 में अमेरिका में सिंडन और हॉसर नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंपोस्टिंग का मेथड प्रपोज किया और पैस्चराइजेशन को इंटीग्रल पार्ट बना दिया कंपोस्टिंग का, और उस मेथड को उन्होंने शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग का नाम दिया। और ये मेथड बेसिकली एक रेवोल्यूशन की तरह आया किसमें, मशरूम इंडस्ट्रीज में, जो कि ऑफ सीजनल और जो ईयर द होल राउंड द ईयर कल्टीवेशन करने वाले या कंपनीज थी उनके लिए ये एक वरदान साबित हुआ। इसमें बेसिकली उन्होंने कंपोस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, फेस वन जिसे हम आउटडोर कंपोस्टिंग कहते हैं जो 10 से 12 दिन का था, और फेस टू जिसमें पैस्चराइजेशन और कंडीशनिंग करते हैं एक इंसुलेटेड रूम में और जो 6 से 7 दिन का होता है। पहले हम फेज वन डिस्कस करेंगे। फेज वन में कह लो 0 से -4 डेज में हम जो हमारा स्ट्रॉ है उसे मिक्स करते हैं, उसे लगातार उसका मॉइस्चर अटेन करने के लिए उसमें पानी ऐड करते हैं, चिकन मैन्यूर ऐड करते हैं, उसकी प्रॉपर वेटिंग करते हैं और स्टैकिंग करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जो मॉडिफिकेशन टाइप को ये है भी जब आप इसमें लगातार वाटर ऐड करते हो तो वाटर इसमें से निकलता भी है, और जो रनवे वाटर होता है उसे हम एक कड़ी पिट में इकट्ठा करके और उसे द्वारा हम रीयूज़ करते हैं। दो बेनिफिट होते हैं इसके, एक तो जो आपका वाटर है उसकी वेस्टेज नहीं होती और दूसरा आपका जो अपना न्यूट्रिएंट है वो नहीं बहते पानी के साथ। और इसे हम -4 डे लेते हैं, फिर एक दिन का रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम वाटर ऐड करते हैं, फिर उसकी रीस्टैकिंग करते हैं, और -0 डे पे हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक रैक स्टैक बना देते हैं। +2 डे पे हम उसकी फर्स्ट टर्निंग करते हैं, +4 डे पे हम उसकी सेकंड टर्निंग करते हैं, +6 डे पे हम उसकी थर्ड टर्निंग करते हैं और जिप्सम ऐड करते हैं। एक एक दिन का रेस्ट देते हैं हम, एक दिन रेस्ट देना, एक दिन टर्निंग, एक दिन रेस्ट, एक दिन टर्निंग, और 8th डे में हम उसकी फोर्थ टर्निंग करते हैं, और 10th डे जो लास्ट डे है उसमें उस दिन हम उसको टनल में उसकी जो भी हमारी कंपोस्ट है उसकी फिलिंग टनल में कर देते हैं। ड्यूरिंग फेज वन जो हम स्टैटिक पाइल बनाते हैं उसमें यहाँ पे, और जो लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है उसमें जो वेरिएशन ये है भी यहाँ पे हम एरेशन प्रोवाइड करते हैं। एरेशन प्रोवाइड जो हम करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, हम दो वेज हैं हमारे एरेशन प्रोवाइड करने के। पहला, हम उसमें सक्शन सिस्टम लगाएं जिसमें जो एयर है वैक्यूम की तरह उसमें से एयर खींच जाए और पूरे के पूरे पाइल में एयर वैक्यूम की तरह ड्रॉ होती है। दूसरा, प्रेशर सिस्टम है, इसमें नेगेटिव प्रेशर बनता है और प्रेशर सिस्टम में हम पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। हम प्रेशर कह लो पॉजिटिव प्रेशर एयरेशन करते हैं। हमारे पास एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर लगाते हैं और जो एयर है वो सारे पाइल्स को एंटायर सरफेस से लीव करती है। और नाउडेज इन दोनों सिस्टम में से हम प्रेशर एयर को ही प्रेफर करते हैं, जिसमें कह लो जो ज़्यादा बेटर है आपकी सक्शन एयर से। और जब आपकी फेज वन यानी कि 10th डे पे जब आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाती है फेज टू के लिए, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो थ्रू आउट ब्राउन होती है, उसके जो पीसेस होते हैं वो ग्लेमिंग और वेट होते हैं, स्ट्रॉ लॉन्ग होते हैं बट इजीली स्लाइट फोर्स से ही स्ट्रॉ टूट जाता है। इसमें 70-75% मॉइस्चर हो जाता है। जब आप कंपोस्ट को हाथ में लेके प्रेशर देते हैं तो थोड़े से जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो आपके हाथों से स्क्वीज करते हैं।
पीएच इसका 8.2 टू 8.5 होता है और बहुत ज़्यादा अमोनिया की स्मेल होती है इसमें। स्टिकी रहती है कंपोस्ट, स्लाइमी रहती है, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे अगर आप इसमें हाथ में भरेंगे। एक्टिनोमाइसिटीज इतने ज़्यादा नहीं होते। नाइट्रोजन कंटेंट इसका 1.2 टू 1.5 टू 2% तक रहता है। अमोनिया कंसनट्रेशन इसमें 800 टू 1000 ppm तक इसमें रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है फेज टू। फेज टू हमारे दो प्रोसेस हम लेते हैं फेज टू में। पहला है हमारा पैश्चराइजेशन, दूसरा है हमारा कंडीशनिंग, और ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। कंडीशनिंग सबसे पहले हम जैसे ही टनल में अपनी कंपोस्ट ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है लेवलिंग। लेवलिंग में आपका जितना भी कंपोस्ट का टेम्परेचर हम एक बराबर करते हैं, यानी कि लेवल करते हैं, आपका टेम्परेचर वेरिएशन ना आए, आपका थ्रू आउट सारी कंपोस्ट में हर जगह टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा और सिर्फ 1 या 2 डिग्री का जो फर्क रहता है, अदरवाइज सारा का सारा टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। आफ्टर लेवलिंग हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज प्री पैश्चराइजेशन कंडीशनिंग। प्री पैश्चराइजेशन कंडीशनिंग में हम कंपोस्ट का टेम्परेचर रेज करते हैं बाय 1 डिग्री पर आवर एंड दैट इज 45 to 52 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके जाते हैं, और साइमल्टेनियसली सारी कंपोस्ट का एक साथ ही टेम्परेचर रेज होता है, ये नहीं वेरिएशन नहीं होता कि किसी कोने में कम है किसी कोने में ज़्यादा है। और इसी फेस में जो अमोनिया है वो लिग्निन ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है और जो एक्सेस अमोनिया है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। जैसे ही आपका टेम्परेचर प्री पैश्चराइजेशन कंडीशनिंग में आ जाता है कंपोस्ट का, तो उसके बाद हम पैश्चराइजेशन करते हैं। पैश्चराइजेशन में आप कंपोस्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो। 60 डिग्री सेल्सियस तक जब हम कंपोस्ट का टेम्परेचर ले जाते हैं तो सिर्फ इसमें थर्मोफिलिक फंगस ही ग्रो करती है, एक्टिनोमाइसिटीज ही ग्रो करते हैं। इससे अबव टेम्परेचर अगर आप लेके जाते हो, 60 डिग्री सेल्सियस से अबव लेके जाते हो, तो आपकी जो थर्मोफिलिक माइक्रोफ्लोरा है वो उसका भी अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है और आपकी जो अपना टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर ही रेज करना है। और 6 to 8 आवर्स लेता है आपका पैश्चराइजेशन में। जब आपके पैश्चराइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम फिर आ जाते हैं पोस्ट पैश्चराइजेशन कंडीशनिंग में। अगेन हम उसका टेम्परेचर कंपोस्ट का डाउन करते हैं 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस, एंड अगेन दिस टेम्परेचर इज अ वेरी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मेजोरिटी ऑफ थर्मोफिलिक फ्लोरा। एंड द थिंग इज दैट इफ अगर आप कंपोस्ट का टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, दिस विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ मेसोफिलिक फंगस। आपके जितने भी कंपोस्ट है उसमें मेसोफिलिक फ्लोरा ग्रो करना शुरू कर जाएगा, जिससे कि आपकी मशरूम की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी जो मशरूम की प्रोडक्शन है वो उस पर इफेक्ट होगा। तो ये हमारा फेज 1 फेज 2 था। नेक्स्ट आ गया आपका टनल डिज़ाइन। टनल का डिज़ाइन मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, सिर्फ आपको एक ब्रॉड व्यू दूंगा जिसमें जो है भी आपका टनल, आपके कंपोस्ट कितना आपका प्लांट है उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। इंसुलेटेड वॉल होती है टनल की, उसमें एक एग्जॉस्ट लगा रहता है, देन AHU डैम्पर्स के साथ लगा रहता है ताकि हम जो एयर फ्रेश एयर देना है या आपको एयर रीसर्कुलेशन रखना है उसको कंट्रोल किया जाए। देन आप में इसमें हम ब्लोअर लगाते हैं, ब्लोअर की जो CFM है वो हमारा कंपोस्ट के हिसाब से हम ब्लोअर का साइज रखते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ कंपोस्ट आफ्टर फेस टू, जो कंपोस्ट है दैट इज इन डार्क ब्राउन इन कलर, फुल ऑफ थर्मोफिलिक फंगस एंड एक्टिनोमाइसिटीज, इट इज सॉफ्ट, इजिली टूट जाती है, 64 to 66% इसमें अपना मॉइस्चर रहता है। जब आपको कंपोस्ट हाथ में दबाओगे तो इसमें से पानी की बूंदें नहीं निकलेंगी। बड़ी प्लेजेंट स्मेल रहती है इसकी, कोई स्टिकीनेस नहीं होती। आपका हाथ, जब आप कंपोस्ट हाथ में लोगे तो आपके हाथ साफ रहेंगे। नाइट्रोजन कंटेंट इसमें 2% से ज़्यादा होता है और जो आपका अमोनिया है इट इज़ लेस देन 10 ppm। एडवांटेजेस इसके जो हैं, हम कह लो पर यूनिट जो साइज़ है रूम का वो इजीली ट्रीट कर लेते हैं, कंपोस्ट इजीली पैश्चराइज हो जाती है और सेम टनल को हम डिफरेंट टाइम ऑफ अलग अलग वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। ईल्ड पर यूनिट वेट जो कंपोस्ट की है वो हाई रहती है, प्रोडक्शन भी इसमें जो है वो हाई रहती है क्योंकि सिर्फ आपकी मशरूम ही इसमें ग्रो करती है, अनवांटेड कोई भी फंगस इसमें ग्रो नहीं करती, और आपका जिसकी वजह से जो कह लो ईल्ड है
वो इंक्रीज रहती है।